हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सबसे पहले सारे फ्रेंड्स को हैप्पी होली। और ये मेरी कुछ शॉपिंग है, दो चार दिन पहले मैंने होली से ख़रीद लिया था, तो अभी टाइम मुझे मिला नहीं इसलिए मैं लगा नहीं पाई। मैंने सोचा पहले न्यू शॉपिंग की फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या प्लांट्स ख़रीदे हैं। बहुत सारे, कुछ सीजनल हैं और कुछ इसमें परमानेंट हैं। परमानेंट मेरे ज़्यादा हैं, सीजनल कम हैं। सबसे पहले बोगनवेलिया दिखाती हूँ मैं। ये बोगनवेलिया है मेरी। ये इसमें डबल शेड आएंगे, आप देखिए पिंक और वाइट। और ये मेरी बर्ड हैं जो बहुत इन्जॉय कर रही हैं। और ये देखिए, ये तो मेरे घर वैसे भी पहले से ही ये मेरे पास प्लांट पड़े हैं। और काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने, कलांचू है, क्रोटन्स है, ये सब बहुत सारे, कुछ शो प्लांट है, कुछ फ्लावर वाले हैं। और ये सब बहुत सारे कोलियस की भी कुछ वैरायटी हम ले करके आए हैं। और कुछ हमारे पहले के भी प्लांट्स हैं, उसको अब खाली करना है। जैसे ये सीजनल हैं सारे, अब ये खाली हो जाएंगे क्योंकि फ्लावर कम हो रहे हैं। तो ये तीन चार वैरायटी मेरे कोलियस के हैं। और ये कलांचू हैं, कलांचू तो ये कभी नहीं जाते, ये परमानेंट ही हैं। और कुछ शो प्लांट भी मेरे हैं। और ये बॉक्सर है, ये रोज़ है, रोज़ हैं। और ये जो ये अरेलिया है, ये बहुत अच्छा बुशी सा बन जाता है, ये प्यारा बहुत लगता है, ग्रीनरी हमारे गार्डन में बहुत देगा। ये रोज़ मैंने अभी आपको दिखाया कि ये बेल जैसी चढ़ेगी, ये बेल वाली रोज़ खरीद के हम लेकर के आए हैं, दो हैं मेरे पास। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग तो मेरी बहुत हुई है। और ये हैं, ये भी क्या नाम है इसका, ये है शायद ग्लेरिया, ग्लेरिया कुछ ऐसे ही नाम है, एग्जैक्ट टर्म मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल से ग्लेरिया ही है। और ये बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है, ये परमानेंट प्लांट है। इसके फ्लावर्स देखिए कितने प्यारे हैं, और ये काफ़ी टाइम तक टिके होते हैं, ऐसा लगता है प्लास्टिक का है, बट ये रियल है, बहुत अच्छा है। और ये तो मेरे घर पहले के प्लांट्स हैं जो देख रहे हैं, काफ़ी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये कुछ मैं सीजनल प्लांट भी लेकर के आई हूँ। ये देखिए विंका है, तीन चार कलर मैं लेकर के आई हूँ, 20 रुपीज़ के ये मुझे मिले हैं। और ये बेबी सनरोज बहुत प्यारा सा है, ये कुछ डिफरेंट है बेबी सनरोज मेरा, तो मैंने सोचा इसको भी ले लेती हूँ। काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने ख़रीदे हैं, तो मैंने सोचा ये खरीदते हैं। और ये देखिए जियो की दो वैरायटी हम लेकर के आए हैं, ये कुछ अलग है, ये थोड़ी सी अलग है, काफ़ी अच्छी होती हैं दोनों, काफ़ी अच्छे कलर हमारे गार्डन में इन प्लांट्स से आते हैं। तो इनको मैं जब पॉट में शिफ्ट करूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और कुछ मेरी कटिंग्स भी मुझे फ्री की भी मिल गई थी वहाँ से, जहाँ से हम प्लांट्स खरीदते हैं नर्सरी वाले हमारे भैया, कुछ फ्री के भी हमें प्लांट्स दे देते हैं। ये बोगनवेलिया के कुछ डिफरेंट वैरायटी है, इसके लीव्स में ही काफ़ी कलर आ रहे हैं, इसके फ्लावर्स भी आएंगे, जब आएंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी फ्रेंड्स। तो अब कुछ विंटर के प्लांट्स मेरे पॉट खाली हो रहे हैं, तो मुझे अब ये सारे प्लांट्स उसमें शिफ्ट करना है। इधर भी काफ़ी सारे खाली हो रखे हैं, तो ये सब अब आइस प्लांट वगैरह खाली हो जाएगा, तो मेरा सारा प्लांट्स अब उसमें शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कलांचू मेरा, ये एग्लोनिमा है, काफ़ी अच्छा है, ये आप पहले देख चुके थे। ये देखिए सारे प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं यहाँ पर, अब ये सब खाली हो जाएंगे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी जो प्लांट्स मैं लगाऊंगी। तो आप देख बताइएगा मेरी ये सारी शॉपिंग आपको कैसी लगी, ज़रूर दिखाइएगा। ये कुछ सकुलेंट्स हैं मेरे, काफ़ी पुराने हैं ये, काफ़ी अच्छे डेवलप हो रहे हैं, कटिंग्स भी इनकी मैंने लगा रखी है इधर, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। मेन मुझे दिखाना था कि मेरी शॉपिंग जो बहुत सारे प्लांट्स मैंने ख़रीदे हैं, फिर वो ही दिखाना था जब इनको लगाऊँगी और अच्छी ग्रोथ हो जाएगी फ्रेंड्स, मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और ये विंटर के फ्लावर्स अभी भी खिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कैसी लगी ये वीडियो फ्रेंड्स, बताइएगा। ये कुछ नया प्लांट है, मैं इसका नाम बाद में आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्या है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।